हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुणाल बैरानी, एसोसिएट डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फरीदाबाद। स्ट्रोक एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, ना कि ये हार्ट डिजीज है। स्ट्रोक का सिंपल मतलब होता है ब्रेन अटैक, मतलब ब्रेन में जब वेसल्स जो हमारी होती हैं, खून की नलियाँ होती हैं, उनमें अगर खून का संचालन कम हो जाता है तो इसको स्ट्रोक कहते हैं या लकवा भी कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें मतलब जो हमारी खून की नलियाँ होती हैं उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, और एक होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक का मतलब होता है जिसमें खून की नलियाँ जो होती हैं वो फट जाती हैं, जिसकी वजह से खून बह जाता है और जिसकी वजह से भी मरीज को पैरालिसिस हो सकती है। कॉमनली जो हम देखते हैं वो इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, जिसमें खून का संचालन जो नलियाँ होती हैं वो अकड़ने से ब्लॉक कर जाती हैं, जो समवेयर अराउंड 85% केसेस में होता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक जो होता है वो समवेयर अराउंड 15% केसेस में होता है।